हाय यार, मैं हूं हुसैन अली खान। आप देख रहे हैं दाब्रू पोल्ट्री। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आप 18वें दिन के मैनेजमेंट के बारे में और गाउट डिजीज़ के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं गाउट डिजीज़ के बारे में वीडियो बनाने वाला हूं, तो वो आज ही 18वें दिन पे। तो यार आज 18वें दिन के मैनेजमेंट और गाउट के बारे में बात करने वाला हूं यार। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पे अपना एक लाइक कर दो और वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहो। तो सबसे पहले बात करूँगा 18वें दिन की मैनेजमेंट की। तो 18वां दिन का मैनेजमेंट था वो काफ़ी सिंपल सा रहा है। हम लोगों ने नॉर्मल इन लोगों को पानी दिया, सुबह शाम दो बार जो है इन लोगों को सादा पानी दिया गया। इसके अंदर कुछ भी सप्लीमेंट, कुछ भी एंटीबैक्टीरियल, कुछ भी नहीं मिलाया गया। नॉर्मल सादा सा पानी दिया गया है। बर्ड सारे हेल्दी दिख रहे हैं। जो छिक छिक की प्रॉब्लम मैंने एक बार आपको शायद 16वें दिन में बताया था, वो भी हल्की है। वो भी मतलब 16वें दिन में मुझे हल्का हल्का छिक छिक सुनाई दे रही थी, लेकिन अभी वो भी कम है। तो इसकी वजह से जेंटा को भी मैंने पोस्टपोन किया है कि जब अगर ज़रूरत पड़ती है बाद में तो जेंटा कर देंगे, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। तो अभी इन लोगों को बर्ड को स्ट्रेस में डालने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि 18वां दिन ख़त्म होने वाला है और 19वां दिन लगेगा। दो दिन बाद 21वां दिन है। अगर जेंटा वेंटा लगाते हैं तो थोड़ा सा बॉडी वेट भी बैक कर सकता है, तो उसकी वजह से कोई भी रिस्क नहीं लिया जा रहा है जिससे बर्ड का बॉडी वेट पीछे हो। तो इस बारे में पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और जो फीड इन लोगों को दिया जा रहा है वो सुबह और शाम दोनों टाइम इन लोगों को फुल फीडिंग दिया जा रहा है। फीड में थोड़ा बहुत भी इन लोगों के साथ कमी नहीं किया जा रहा है। और दोपहर में एक बार कुछ ड्रिंकर ख़त्म हो जाते हैं, तो दोपहर में एक से दो बजे के करीब में मेरा भाई यहाँ पे आता है और जो भी ड्रिंकर ख़त्म रहते हैं उसको चेंज करता है और वापस घर चला जाता है। और अभी जो है नॉर्मल सा मौसम चल रहा है, इतना कुछ हार्ड मौसम भी नहीं है गर्मी का। लेकिन फिर भी कल मुझे एक कमेंट आया था जिसमें किसी ने बताया कि उसका मुर्गा उसकी वजह से मर गया, हीट स्ट्रोक की वजह से मर गया, गर्मी की वजह से मर गया। तो काफ़ी ताज्जुब हुआ कि अभी उतना गर्मी नहीं पड़ी लेकिन फिर भी उनका मुर्गा, काफ़ी मुर्गे उनके हीट स्ट्रोक की वजह से मर गए थे। तो हीट स्ट्रोक की तो वीडियो है मेरे चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। तो अब बात करेंगे यार, चलो अब बात कर लेते हैं गाउट के बारे में। जैसे कि वादा था कि गाउट के बारे में बात करेंगे, तो गाउट के बारे में बात करते हैं। गाउट जो है एक मैनेजमेंटल प्रॉब्लम है, यानी कि एक मैनेजमेंटल डिसीज़ है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी खुद की गलती की वजह से, जब भी आपके फार्म में गाउट आ रहा है तो वो आपकी खुद की गलती की वजह से आ रहा है, चाहे वो गलती आप जान के कर रहे हो या फिर अनजाने में कर रहे हो। ये एक मैनेजमेंटल डिसीज़ है, कोई ऐसा बैक्टीरियल डिसीज़ या फिर वायरल डिसीज़ नहीं है कि आपके फार्म में कोई घूमने आया तो उसकी वजह से आ जाएगी। कोई कौआ, कोई चिड़िया, कोई चूहे हुए की वजह से ये फैलने वाली बीमारी नहीं है। ये एक मैनेजमेंटल प्रॉब्लम है, यानी कि ये आपके मैनेजमेंट से आने वाली बीमारी है। सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है एक बर्ड में अगर ये गाउट हो गया है तो ये एक बर्ड से दूसरे बर्ड में फैले गए नहीं है। छुआछूत वाला प्रॉब्लम नहीं है, एक बर्ड में हुआ तो एक बर्ड में ही होगा। लेकिन अगर एक बर्ड में हुआ है, अगर एक बर्ड के लिए मैनेजमेंट ख़राब है तो सारे बर्ड के लिए भी तो मैनेजमेंट ख़राब होगा ना। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स में देखने को मिल जाता है, क्योंकि अगर आपका एक बर्ड के लिए मैनेजमेंट ख़राब है तो बाकी बर्ड के लिए भी मैनेजमेंट ख़राब होगा। इसलिए ये जो है बहुत ही मतलब जब भी होता है तो पूरे फार्म लेवल पर जो भी बर्ड रहते हैं उनको वो जो है पूरे के पूरे इफ़ेक्ट होते हैं। तो जो है गाउट जो है एक कंडीशन है, जो यूरिक एसिड जो होता है बर्ड के बॉडी में जो है यूरिक एसिड होता है वो बर्ड के अलग अलग ऑर्गन पे जमा हो जाता है। ठीक है, यूरिक एसिड बर्ड के अलग अलग ऑर्गन अलग अलग पार्ट्स पे जमा हो जाता है। उसके हिसाब से जो है जहाँ जहाँ पे यूरिक एसिड जमा होता है उसके हिसाब से हम लोग जो है गाउट को दो भागों में बांट देते हैं। मतलब ये अगर यहाँ यहाँ पे जमा है तो इसको ये गाउट कहेंगे, अगर यहाँ यहाँ पे जमा है तो इसको ये गाउट कहेंगे। तो एक होता है विसरल गाउट। विसरल गाउट में क्या होता है, ये बर्ड के ऑर्गन पे जो है ना ये ऐसा लगेगा आपको जब आप उसका पोस्टमार्टम करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे उसने पूरे ऑर्गन पे जो है ना किसी ने पाउडर को जैसे अपने पाउडर छींट देते हैं ना वैसा पूरा वाइट कलर का ऐसा लगेगा कि पूरे ऑर्गन पे किसी ने पाउडर छींटता हुआ है। ये कहाँ कहाँ पे आपको विसरल गाउट जिसमें जो है पूरे ऑर्गन पे ऐसा लगेगा पाउडर छींटा हुआ है वो आपको किस किस ऑर्गन पे देखने को मिल जाएगा, लीवर है, किडनी है, गिजार्ड है, इंटेस्टाइन है, और भी बर्ड्स के अलग अलग ऑर्गन है वहाँ देखने को मिल जाएगा। कुछ बार ऐसा भी देखा गया है हार्ट पे देखने को मिलता है, और कुछ टाइम ऐसा देखने को मिला है कि लंग बर्ड के लंग पे भी जो है ये यूरिक एसिड जमा होता है और गाउट बर्ड में रहता है। दूसरा है आर्टिकुलर गाउट। इसमें जो है बर्ड्स के ज्वाइंट यानी कि जो बर्ड्स का पैर होता है ना, ये है बर्ड्स का पैर है। बर्ड्स का पैर जब पोस्टमार्टम करते हैं और बर्ड का पैर तोड़ के देखते हैं, उसकी हड्डी निकाल के देखते हैं, तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा यूरिक एसिड जमा होता है या कभी कभी ज़्यादा मात्रा में जमा होता है, तो वहाँ से कह सकते हैं कि हाँ इसमें भी गाउट है। तो ये आप समझ गए कि दो तरह के गाउट हैं,
एक आर्टिकुलर गाउट और विसरल गाउट। आर्टिकुलर गाउट जो बर्ड के हड्डियों में होता है वो ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता, बहुत ही कॉमन, बहुत ही रेयर है। लेकिन जो विसरल गाउट है जो बर्ड्स के ऑर्गन पे देखने को मिलता है, यूरिक एसिड जो बर्ड्स के ऑर्गन पे जमा होता है वो बहुत ही क्या बोलते हैं कॉमन है। वो मतलब हर जगह अगर गाउट आया है तो वो ज़रूर देखने को मिल जाएगा। और कुछ टाइम ये दोनों एक साथ भी हो सकता है, आपको आर्टिकुलर और विसरल दोनों ही कंडीशन एक बर्ड्स में भी देखने को मिल सकती है। ओके, तो इतना क्लियर हो गया। और अगर आप लोग पूरा डिटेल में एक देखना चाहते हो अगर गाउट की वीडियो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मैं लिंक दे देता हूँ, क्योंकि मैं गाउट के ऊपर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं ये आता क्यों है आपके बर्ड्स में, गाउट जो है अगर आ रहा है तो आता क्यों है। तो ज़्यादातर फार्मर क्या कहते हैं, भाई पानी की कमी है, पानी की खराबी है, तो इसकी वजह से आ रहा। नहीं, वो तो एक कंडीशन है पानी वाला, लेकिन उससे पहले एक कंडीशन है, वो है न्यूट्रिशनल, यानी कि बर्ड जो खाता है, जो खाना बर्ड्स को आप दे रहे हैं उसकी वजह से भी गाउट आ सकता है। कभी सोचा आपने, जो आप बर्ड को इतने महंगे से खाना खिला रहे हैं उसकी वजह से भी गाउट हो सकता है। वो कैसे होगा, अगर आपके बर्ड्स के फीड में ज़्यादा कैल्शियम दिया जा रहा है, गाउट आ सकता है। अगर बर्ड्स के फीड में प्रोटीन जो है बहुत ही ज़्यादा, यानी कि 30% है, वैसे तो 30% जो नॉर्मल कंपनियाँ फीड बनाती है वो तो 30% नहीं डालने वाली है, लेकिन जो लोग अपना फीड खुद से बनाते हैं वो लोग नॉर्मल सी बात होती है, उन लोग बर्ड का बॉडी वेट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटीन उसके अंदर डालते हैं, जिसकी वजह से वो आपको ये गाउट की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी अगर 30% से ऊपर जा रहा है। उसके बाद है विटामिन ए की कमी, अगर फीड में आपके विटामिन ए की कमी है तो भी आपको गाउट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है किडनी डिजीज़, अगर बर्ड के किडनी में कोई भी प्रॉब्लम है, यानी कि कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ना, आप देख रहे होंगे कि मैं यूरोफ्रेश दिए जा रहा हूँ, वो बर्ड की किडनी को साफ़ करने के लिए दिए जा रहा हूँ। इतना मुझे यूरोफ्रेश से प्यार नहीं है, जो मैं बर्ड्स को बकालते हैं हर 5-5 दिन पे, 6-6 दिन पे क्या होते हैं यूरोफ्रेश 1-1, 2-2 दिन के लिए चला रहा हूँ, वो मुझे बर्ड्स की किडनी को सही करना है, सही रखना है। इसकी वजह से मैं बर्ड्स में जो है यूरोफ्रेश दिया जा रहा हूँ, ताकि बर्ड की किडनी में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। किडनी में प्रॉब्लम होगी तो उसको कई प्रॉब्लम और हो जाएगी। तो किडनी डिजीज़ अगर किसी भी तरह की है तो आपके बर्ड्स में गाउट आ सकता है। दूसरा है फुल्ली मैनेजमेंटल, ये तो हो गया, इसमें फीड आप बनाते हैं नहीं बनाते हैं ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो दूसरा है वो पूरी की पूरी तरीके से आपके हाथ में, अगर उस कंडीशन में गाउट आता है तो उसके पूरे जिम्मेदार आप हैं। वो रीज़न क्या है, मैनेजमेंट में क्या कमी हो सकती है, पानी, आपने जो ये फीडर दिया है फीडर में क्या बोलते हैं आप लगा के चले गए सुबह में, शाम तक आ रहे हैं तो देख रहे हैं पानी बर्ड जो है पूरा ख़त्म कर चुका है, और फिर ड्रिंकर में पानी नहीं है, और कितने देर तक कितने टाइम से पानी नहीं है ये आपको मालूम ही नहीं कि कितने टाइम से बर्ड प्यासा है। तो उस कंडीशन में जो पानी की कमी होती है उस कंडीशन में आप बर्ड में गाउट हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, पानी इतना गंदा होता है कि बर्ड उसे ज़्यादा पीना पसंद नहीं करते, तो उस कंडीशन में भी आपको ये गाउट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है कि कम ड्रिंकर, जैसे कि जितने ड्रिंकर पर बर्ड पे होने चाहिए उतना ड्रिंकर नहीं है, मान लो आपने 2 ड्रिंकर तो मिनिमम आप लगाओ, 2 ड्रिंकर मिनिमम 100 बर्ड पे तो लगाओ। अगर 2 ड्रिंकर 100 बर्ड पे जो है सिर्फ आपने 1 ड्रिंकर लगाया है तो उस कंडीशन में भी गाउट आ जाएगा, क्योंकि बर्ड को जितना पानी मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड बता दूँ तो स्टैंडर्ड 100 बर्ड पे 3 ड्रिंकर 3 फीडर स्टैंडर्ड है, बहुत ही अच्छे से काम करेगा। उसके बाद है कि ड्रिंकर और निप्पल, जैसे कि ये ड्रिंकर है, अगर ये ऑटोमेटिक ड्रिंकर होता मैं इसकी हाइट ऊपर नीचे कर सकता था, इसकी हाइट में बहुत ज़्यादा ऊपर कर दूँ, या फिर निप्पल सिस्टम से पिला रहे हो तो निप्पल की आप हाइट बहुत ज़्यादा ऊपर कर दो या फिर बहुत ज़्यादा नीचे कर दो, तो उस कंडीशन में बर्ड पानी नहीं पा पाएगा, उस कंडीशन में भी बर्ड में गाउट आ सकता है। कभी कभी क्या होता है कि बर्ड में जैसे कि ठंडी होती है ना, ठंडियों के सीजन में पानी बहुत ठंडा हो जाता है रखे, तो और गर्मियों के सीजन में जब दोपहर का टाइम रहता है तो पानी बहुत गर्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी गाउट आ सकता है, क्योंकि ठंडा गर्म पानी, ज़्यादा ठंडा और गर्म जब पानी हो जाता है तो उसे भी बर्ड्स जो है वो नहीं पीते हैं। उसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी है, वो है इम्प्रॉपर ब्रूडिंग, अगर आपका ब्रूडिंग मैनेजमेंट सही नहीं है तो आप मान के चलो कि आप में गाउट आ जाएगा। ओके, अब इसका पहचान कैसे करेंगे, ठीक है गाउट है आपने, अब ये तो है ना कि बर्ड का पेट फाड़ेंगे तभी आपको गाउट दिखेगा, आप पहचानोगे कैसे कि ये जो सारे बर्ड्स हैं इसमें गाउट आ गए, या फिर ये बर्ड है उसमें गाउट आ गया। तो ये चौकी, मतलब जो चौक होता है ना, जो स्कूलों में हम लोग यूज करते थे ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए, उस तरह से चौकी वाइट डायरिया, यानी कि पूरी तरीके से एकदम सफ़ेद वाइट कलर का डायरिया बर्ड करेगा, और बर्ड का जो ये पीछे वाला हिस्सा होता है, ये पीछे वाला हिस्सा जो रहेगा ये पूरी की पूरी तरीके से भीग जाएगा, यानी कि पेस्टी वेंट हो जाएगा, ब्लॉक कर देगा, इतना ज़्यादा वो लूज मोशन करेगा कि वो पूरा का पूरा पीछे वाला एरिया पूरा गीला रहेगा। तो उससे आप पहचान सकते हो
कि हाँ इस बर्ड में गाउट है। अब बात कर लेते हैं यार ट्रीटमेंट की, कि आप अपना अगर ये आप पहचान लिए हो कि ये पोस्टमार्टम मैंने शुरू में ही बता दिया, अभी आपके लक्षण भी मैंने बता दिया, आप अगर आप पहचान गए हो कि इसमें क्या है तो इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे। ट्रीटमेंट में सबसे अच्छा है आप एक दिन के लिए फीड उठाओ, मतलब एक दिन के लिए नहीं, एक घंटे दो घंटे के लिए फीड उठाओ और एक घंटे दो घंटे के लिए उन्हें मक्का दो, फीड मत दो। अगर खुद से फीड बना रहे हो तब, अगर खुद की फीड, अगर आप खुद की फीड बना के खिला रहे तो ये वाला काम करो। अगर आपके कंपनी की फीड है तो कंपनी वाले इतना ज़्यादा प्रोटीन मिलाते ही नहीं हैं कि आपको ये उनसे ये प्रॉब्लम होगी, तो ये कर लो। अगर खुद का फीड बनाते हो तो मक्का खिला दो भाई दो घंटे के लिए, तीन दिन तक लगातार दो घंटे के लिए मक्का खिला दो। ओके, उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, गुड़ का पानी यानी कि जो भेली पानी होता है ना वो कर सकते हो, लेकिन डोज थोड़ा सा अलग रहेगा। डोज यहाँ पे क्या रहेगा, 5 ग्राम गुड़ 1 लीटर पानी पे आपको अपने बर्ड्स को देना है 2 से 3 घंटे के पानी में, आप ये भी दे सकते हो। उसके बाद एक वेंकिस कंपनी का आता है वेन लाइट करके, इसे आप 100 ग्राम जो है 500 बर्ड्स के लिए दे सकते हो। उसके बाद एसी प्रो आता है, इसे आप 1 से 2 ग्राम जो है पर लीटर पानी पे अपने बर्ड्स को दे सकते हो। और पोटेशियम क्लोराइड आता है, ये 1 ग्राम 1 लीटर पानी पे आप अपने बर्ड्स को दे सकते हो। और पानी जो चलाना है आपको वही 2 से 3 घंटा, मैक्सिमम 4 घंटे के लिए चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना है। इतना अगर ट्रीटमेंट करते हो तो आपका जो भी गाउट रहता है वो आपको ठीक हो जाएगा और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट से ही जाएगी। ये कुछ क्या बोलते और ये खुराकी से नहीं जाने वाला या फिर एंटीबैक्टीरियल से नहीं जाने वाला, ये मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट सॉल्व करिए। ड्रिंकर अगर कम है ड्रिंकर बढ़ा दो, फीडर में प्रोटीन कम प्रोटीन ज़्यादा लग रही है, खुद से प्रोटीन फीड बना रहे हो तो वो सब इम्प्रूव कर लो, तो ये सब वहाँ से चली जाएगी। अब ऐसा क्या कर लें कि ये आए ही ना, तो ना आए तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप अपनी ब्रूडिंग अच्छा करो, वाटर मैनेजमेंट आप अपने बर्ड में अच्छा करो कि आपका जो वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और जो फीड खिलाओ वो एक बैलेंस फीड खिलाओ। खुद से फीड बनाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनाओ फीड और एक बैलेंस फीड बनाओ, एक डॉक्टर की सलाह ले लो, बैलेंस फीड बनाओ, ज़्यादा प्रोटीन डालने की ज़रूरत नहीं है। जो रिकमेंडेड प्रोटीन है 23% प्रोटीन प्री स्टार्टर के लिए, 21 जो है स्टार्टर के लिए, और 19 जो है लगभग इसके लिए फिनिशर, 19-20 के करीब में फिनिशर के लिए उसी तरीके का प्रोटीन खिलाओ, उसी तरीके का प्रोटीन अपने बर्ड्स को दो, ज़्यादा कुछ उसको एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं। ये बॉयलर है, कोई वो नहीं है, बटेर नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा प्रोटीन देने की ज़रूरत है, बटेर होगा तो उसको ज़्यादा प्रोटीन देना, बॉयलर को ज़्यादा प्रोटीन देने की ज़रूरत नहीं, जो रिकमेंडेड है वही दो, उतना ही दो। तो ये अगर सब कुछ करते हो तो आपके में गाउट की प्रॉब्लम देखने को बहुत ही कम मिलेगी या फिर नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे लाइक करो, वीडियो पे अपना अपना कमेंट करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बगल में बेल आइकन आएगा उसे भी दबा देना। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं हूँ हुसैन अली खान, आप देख रहे थे द ब्रो पोल्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्रो पोल्ट्री।